बिहार विधान परिषद की कार्रवाई का गुरुवार को चौथा दिन है। कार्रवाई शुरू होते ही ललन सिंह के बयान पर हंगामा हो गया। विपक्ष ने नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा कि महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। ये कहते हुए विपक्ष वेल में पहुंच गया और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाथ में तख्तियां और चेहरे पर काला पट्टी लगाकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक राजा राम ने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है, हम जनता का मुद्दा विधानसभा या रोड पर नहीं उठा सकते हैं। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से जनता के मुद्दे को लेकर उठाया गया, उसको दबाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। हमारे मौलिक अधिकार को लेकर आवाज उठाना क्या अपराध है? जी देखिए, आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और नौकरशाही की मनमानी के खिलाफ कार्योत्सर्गन दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। आपराधिक घटना बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार सर चढ़ कर बोल रहा है। बिहार में अब बाहर नहीं है, ये तमाम जुमले समाप्त हो गए। इसीलिए पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बेरोजगार नौजवान जब कुछ मांगने के लिए सड़क पे जाता है, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उसको जख्मी किया जाता है, उसको घसीट घसीट के मारा जाता है। ये तो बिहार की पुलिस है, उनको शर्म आनी चाहिए बात कहने के पहले। दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को लालू प्रसाद के सामने में 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने खत्म किया और आज लालू प्रसाद जी दिल्ली से पटना पहुंचने पर ये कह रहे हैं कि बिहार को झुनझुना थमा दिया। अरे बिहार को तो 7,000 करोड़ का विशेष सुविधा देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। लालू प्रसाद जी, आपने अपने शासन में बिहार को 15 वर्षों तक कराने के लिए छोड़ा था। बिहार